Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक लाइफटाइम टीवी मूवी के बारे में जिसका नाम है ट्विस्टेड ट्विन। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसका IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जेफ हेयर ने। कहानी शुरू होती है एक मर्डर मिस्ट्री से। हम एक हुडेड व्यक्ति को देखते हैं चोरी छुपे एक रिच कपल के घर में घुसकर एक चाकू से उन्हें ब्रूटली बुचर करता है और फिर गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टेस से मिलते हैं। वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, उसका फेयरवेल पार्टी चल रहा है और नेक्स्ट वीक ही उसका कॉलेज शुरू होने वाला है। उसकी इस 18 साल की जिंदगी में ये शायद उसके लिए उसके लाइफ का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग डे होने वाला था, मगर ऐसा होता नहीं क्योंकि इससे पहले ही उसका बॉयफ्रेंड लूकस उससे ब्रेकअप कर लेता है। टेस पढ़ाई के लिए दूसरे सिटी में जाने वाली है, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन करना उतना आसान तो नहीं होगा, तो उससे बेहतर ये है कि वो लोग अभी अलग हो जाएं। इस बात से टेस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वो लूकस से सच में प्यार करती है, इवन उसकी माँ पेट्रिशिया भी उन्हें एक साथ देखना पसंद करती है, मगर अब वो नहीं चाहता तो टेस भी मूव ऑन करने की डिसाइड करती है। उसकी माँ उसकी बेस्ट फ्रेंड है, मगर उनके अलावा अभी वो बहुत ही ज्यादा लोनली फील करने लगी है। शी रियली होप्स कॉलेज में उसे कोई अच्छा और सच्चा दोस्त मिल जाए। देखते देखते एक हफ्ता बीत जाता है। टेस अपने माँ के साथ जा पहुँचती है कॉलेज में। आगे 4 दिनों तक उसे यहीं पर रहना होगा उसके ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए। उसके बाद उसकी माँ उसे पिकअप करने वाली है। टेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, मगर उसे तो पता ही नहीं था यहाँ से उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है, बदलने वाली है, बट इन अ बैड वे। वो जब अपने ग्रुप के साथ इस कॉलेज का चक्कर लगा रही थी, हम एक मिस्टीरियस लड़की को उसका पीछा करते हुए देख पाते हैं। उसने ब्लैक हुडेड जैकेट और ब्लैक सनग्लास पहन रखी थी, एज इफ वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। टेस को बहुत अजीब लगता है। वो पैनिक करने लग जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, लेकिन वहां भी ये लड़की उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है। टेस के बाहर निकलते ही वो उसे पकड़ लेती है और अपना चेहरा रिवील करती है। उसे देखकर टेस को सबसे ज्यादा सबसे बड़ा झटका लगता है। वो समझ ही नहीं पा रही थी वो किसी और को देख रही है या फिर आईने में अपने आप को, क्योंकि ये लड़की तो बिल्कुल उसकी फोटो कॉपी है। यह लड़की अपना नाम बताती है सैमी क्रेन। वो टेस की ट्विन सिस्टर है, मगर उसे किसी और परिवार ने क्रेन फैमिली ने अडॉप्ट किया था, जैसे टेस को पेट्रिशिया ने। मगर खुद पेट्रिशिया को ही इस बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि अडॉप्शन एजेंसी ने उसे कुछ बताया ही नहीं। इवन सैमी को भी यह बात हाल ही में पता चली है। वो अपने पेरेंट्स को एक बार झगड़ते हुए सुना था। वो लोग 18 साल पहले की किसी गिल्ड के बारे में बात कर रहे थे। जब वो ध्यान से सुनती है, उसे पता चलता है 18 साल पहले जब इन लोगों ने उसे अडॉप्ट किया था, तब उसकी एक ट्विन सिस्टर भी थी। इन लोगों ने दोनों बहन को अलग कर दिया, इवन कभी उसे बताया भी नहीं। इसी बात की परेशानी है उन्हें कि अगर कभी सैमी को पता चल गया किसी और से तो क्या होगा। उनका डर आखिरकार सच साबित हो ही गया। सैमी को पता चल ही गया और वो अडॉप्शन एजेंसी को पैसा खिलाकर टेस के बारे में उसके माँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल ली, क्योंकि उसे अपने सेकंड हाफ से मिलना था अपनी बहन से। वैसे भी टेस सोशल साइट्स में इतनी ज्यादा एक्टिव है, उसके बारे में जानना तो बहुत ही आसान था। टेस भी सैमी से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। अभी उसे ना किसी दोस्त की जरूरत थी ना किसी प्रेमी की, क्योंकि उसे अपना बेस्ट फ्रेंड तो मिल ही गया था, जिसके साथ उसका एक इनबॉर्न बॉन्डिंग है, जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकती है। मगर दूसरी तरफ सैमी का इंटेंशन कुछ क्लियर नहीं लग रहा था। वो दिखा तो रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है, मगर अंदर ही अंदर उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। ऑन दी थर्ड डे वो टेस को अपने साथ अपने घर ले जाने की बात करती है। टेस इस बात पर राजी हो जाती है क्योंकि कल उसका स्पैनिश टेस्ट होने वाला है और सैम स्पैनिश में बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट है, तो वो डेफिनेटली अपने बहन को इस बारे में गाइड कर सकती थी। टेस भी अपने बहन के साथ वक्त बिताने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो अपनी खुशी अपने माँ के साथ भी शेयर करना चाहती थी, मगर पता नहीं कि वो सैमी बार बार उसे अपने माँ को इन्फॉर्म करने से रोक रही थी। एनीवेज, टेस जैसे ही घर के अंदर जाती है अपना सामान लेने, हम देखते हैं पेट्रिशिया उसके फोन पर कॉल करती है, मगर ये फोन रिसीव करती है सैमी टेस की आवाज में। उसे कहती है आज रात वो अपने एक फ्रेंड के साथ डिनर पे बाहर जाने वाली है। इनडायरेक्टली वो पेट्रिशिया को टेस को और कॉल करने से मना कर रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, फोन रखने के बाद वो टेस के फोन से वो कॉल डिलीट भी कर देती है और खुद अपने फोन से किसी को मैसेज करती है। टेस उसके साथ घर जाने के लिए रेडी हो चुकी है। हम एक बात नोटिस करते हैं कि वो दोनों सिर्फ लुक वाइज ही सिमिलर थे, बाकी और कुछ भी उनमें कॉमन नहीं थी। इनफैक्ट सैमी का बर्ताव एटीट्यूड टेस से बिल्कुल ही ऑपोजिट था, मगर हाँ वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती थी।
कुछ ही मिनट के अंदर हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन में बदलाव नजर कर पाते हैं। वो दोनों सैमी के घर जा पहुंचते हैं। जाते वक्त जैसे अपने बारे में कुछ ज्यादा ही डिटेल्स शेयर कर देती है सैमी के साथ, और सैमी उन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब फाइनली वो लोग सैमी के घर जा पहुंचते हैं, हम देखते हैं उसका घर तो किसी फेयरी टेल वाला मैंशन से कम नहीं है। ह्यूज, वेल डेकोरेटेड एंड वेल फर्निश्ड। उसके पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही रिच है। वो लोग अभी घर में नहीं है तो टेस उनसे मिल तो नहीं पाती। इवन सैमी उसे उनके विंग के तरफ भी जाने नहीं देती। वो लोग पसंद जो नहीं करते। दिन भर वो लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और उसके बाद टेस बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी तो वो जल्दी ही सो जाती है, मगर सैमी के आंखों से नींद गायब थी। हम देखते हैं सुबह होने से पहले वो चोरी छुपे घर से बाहर भागती है और जाने से पहले एक लड़के से मिलकर कल इस घर में आने के लिए कह जाती है। वो लोग जरूर कुछ प्लान कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टेस की आंखें खुलती है बहुत लेट हो चुका था। वो तो पैनिक करने लग जाती है फिर से, क्योंकि आज उसका स्पेनिश टेस्ट होने वाला था, मगर उसे अपना कपड़ा ही नहीं मिल रहा था। मिलता है एक नोट जो सैमी ने उसके लिए लिखा था। इसमें सैमी कहती है, तुम पैनिक मत करो, मैं तुम बनकर स्पेनिश टेस्ट देने जा रही हूँ, तुम घर में रहो सैमी बनकर, रिलैक्स करो। टेस को अपने बहन का ये स्वीट जेस्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो सच में इस स्पेनिश टेस्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, उसे कुछ भी नहीं आता था। तो वो सैमी के घर में सैमी बनकर ही रह जाती है और उससे मिलने आता है एक लड़का डेमन। वो सैमी का बॉयफ्रेंड था और टेस को सैमी समझकर उससे कोजी होने लगता है। टेस उसे बताने की कोशिश तो करती है मगर वो उसके सारी बातों को इग्नोर मार के किचन में घुस जाता है ब्रेकफास्ट बनाने। टेस को इस गेम में मजा आने लगा था तो वो भी और कुछ देर के लिए ये पैम्परिंग्स एंजॉय करने की डिसाइड करती है, मगर उसे तो पता ही नहीं था असल में डेमन को सब कुछ पता है। यहाँ पर आने के पीछे उसका कोई और इंटेंशन था जरूर है, क्योंकि वो कुछ स्लीपिंग पिल्स को क्रश करके टेस के खाने में डाल देता है। इसी खाने को टेस खाने वाली थी मगर फॉर्चुनेटली तभी इस घर के कुछ मेट्स दरवाजे पर दस्तक देती है। उन्हें देखकर डेमन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो टेस को उन्हें वापस भेजने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वो आज का दिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ अकेले में बिताना चाहता है। टेस कोशिश भी करती है मगर उन मेट्स को डायरेक्टली इस घर के मालकिन यानी कि सैमी के माँ से ऑर्डर मिला था तो टेस उन्हें रोक नहीं पाती और इधर डेमन गायब हो जाता है। मतलब वो किसी भी हालत में किसी और के सामने नहीं आना चाहता था, मगर जाने से पहले वो सैमी का नोट अपने पास रख लेता है। उधर हमें सैमी का भी असली रूप धीरे धीरे देखने मिलता है। वो टेस्ट खत्म करने के बाद टेस के रूम में जाती है और एक पर्स उसके बैग में रख देती है। इस पर्स में बहुत सारा पैसा और एक डायमंड से भरे पाउच था, वही पाउच जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में देखा था उस आदमी के पास जिसका खून हुआ था। पता नहीं इसके बाद वो और क्या करने वाली थी, मगर इसी बीच पेट्रिशिया अपनी बेटी को पिकअप करने आ जाती है और वो भी टेस बनकर बिल्कुल एक भोली बच्ची की तरह अपने माँ के साथ यानी कि टेस के माँ के साथ टेस के घर की तरफ रवाना हो जाती है। ऐसा तो प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। वो आखिर करना क्या चाहती है? इसका जवाब हमें इसके अगले ही सीन में मिल जाता है जब उसके अपने घर में क्लिनजिंग करते वक्त मेट्स को दो लाश मिलती है उसके पेरेंट्स की। उन्हें चाकू से ब्रूटली खून किया गया था। ये वही लाशें थी स्टार्टिंग वाली। सैमी अपने पेरेंट्स का खून करके पैसा और डायमंड्स लेकर भाग रही है, मगर उस पर कोई शक ना करे इसीलिए उसने टेस को यूज किया स्केपगोट की तरह। ये सब कुछ उसकी प्लानिंग थी, इसीलिए तो उसने टेस को अपने घर में छोड़कर वो खुद टेस बन गई। उधर टेस इतना सब कुछ समझने की हालत में ही नहीं थी। वो लाशों को देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि वो सबसे पहले अपने माँ को कॉल करती है जो रिसीव करती है सैमी और उसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। बेचारी टेस वो इतने इनोसेंट थी कि वो सैमी का गेम समझ ही नहीं पा रही थी। जब डिटेक्टिव्स उससे पूछताछ करते हैं तो वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि बस अभी सैमी लौटने वाली है और वो उन्हें सब कुछ समझाने वाली है। वो उन्हें डेमन के बारे में भी बताती है और उस नोट के बारे में भी, क्योंकि डेमन के कहने पर ही तो उसने उन मेट्स को वापस भेजने की कोशिश की थी, मगर पुलिस को घर में ना उसका कोई निशान मिलता है ना कोई नोट। असल में सैमी ने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। वो टेस के साथ अपना फोन भी स्वैप कर लिया था और डेमन को भेजा था वो नोट चुराने के लिए, साथ में टेस का खून करने के लिए भी, जिससे पुलिस को ये लगे अपने पेरेंट्स को मारने के बाद सैमी ने सुसाइड की है, जिससे ये केस यहीं पर क्लोज हो जाए, सैमी का नामो निशान मिट जाए। अगर वो ऐसा ही पैसा लेकर भाग जाती तो पुलिस तो उसे कभी ना कभी पकड़ ही लेती, जो वो नहीं चाहती। इसीलिए ही जब से उसे पता चला है उसके ट्विन सिस्टर के बारे में, तब से वो टेस को स्टॉक कर रही है। पिछले 6 महीने से उसे टेस के हर एक एक्टिविटी के बारे में पता है और अभी तो वो टेस की बिल्कुल एक कॉपी कैट बन चुकी थी।
वो पेट्रिशिया के साथ उसके घर जा पहुंचती है और इधर असली टेस बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। ये डिटेक्टिव्स उसके एक भी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे, तो टेस उन्हें अपने माँ का नंबर देती है। एक ऑफिसर उन्हें कॉल भी करता है। पेट्रिशिया तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी क्योंकि उनकी बेटी तो उनके बिल्कुल सामने है और उसके किसी ट्विन सिस्टर के बारे में उसे कोई अंदाजा तक नहीं है। ये ऑफिसर कल उनसे और उनकी बेटी से मिलने जाने की डिमांड करता है, जिसे उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर सैम ही थोड़ा सा डर जाता है। उसे जितना एक्टिंग आता था उससे वो पेट्रिशिया को कन्विंस करने की कोशिश करती है। इसके बाद उसे आगे का भी सोचना होगा, मगर इससे पहले भी उससे मिलने आता है लूकस। वो टेस्ट से पैचअप करना चाहता था, मगर सैम ही उसे बहुत ही बदतमीजी से इंसल्ट करती है। लूकस तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि इन कुछ ही दिनों के अंदर वो इतना कैसे बदल सकती है। उधर पुलिस स्टेशन में टेस की हालत खराब हो चुकी थी। पुलिस को सैमी का डायरी मिला था जिसमें उसने अपने पेरेंट्स के खिलाफ सारी नफरत उगाल कर रखी थी। पुलिस को पता चला कि सैमी उन्हें मारना चाहती थी क्योंकि उन्होंने अपने विल से सैमी को बाहर कर दिया था। उसके केयरलेस लाइफस्टाइल से परेशान होकर उसे अपने जिंदगी से अलग करने का डिसाइड कर चुके थे वो लोग। ऐसे रिजल्ट सैमी को फूटी कौड़ी तक मिलने नहीं वाली थी। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव और क्या हो सकता है। वैसे मोटिव तो बिल्कुल सही मिला था उन्हें, मगर सिर्फ टेस उन्हें यही समझा नहीं पा रही थी कि वो टेस है, सैमी नहीं, कि सैमी ने उसकी आइडेंटिटी चुरा लिया है। वो डिटेक्टिव्स नेक्स्ट मॉर्निंग ही पेट्रिशिया और उनकी बेटी से मिलने जाते हैं। उन्हें सैमी की फोटो दिखाते हैं और तब जाके पेट्रिशिया को बिलीव होता है। वैसे उसे भी अपने बेटी में कुछ चेंजेस नजर आने लगे थे। इस लड़की को तो ये तक पता नहीं कि पेट्रिशिया यूजुअली ब्लैक कॉफी पसंद करती है और उसने स्पेनिश में टॉप किया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। मगर सैम जब पुलिस के इंटरोगेशन को इतने अच्छे से फेस कर लेती है बिल्कुल भी ना घबरा कर, तो पेट्रिशिया का शक भी गायब हो जाता है। हम देखते हैं डेमन भी सैमी का पीछा करते करते इस घर में आ पहुंचा था, क्योंकि उसे डर था सैमी वो पैसा और डायमंड्स लेकर भागने वाली है। ये वो हरगिज होने नहीं दे सकता। इन्हीं पैसों के लिए तो उसने सैमी के कहने पर उसके पेरेंट्स का खून किया है। हाँ, वो हुडेड व्यक्ति सैमी नहीं था, डेमन था। इवन टेस को भी मारने गया था वो। अभी उसे आधा पैसा चाहिए, अभी का अभी। मगर सैमी उसे अश्योर करती है कि वो अपना फ्यूचर डेमन के साथ ही प्लान कर रही है, तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बस उसे टेस बनकर रहना होगा कुछ दिनों तक, जब तक असली टेस को उसकी सजा ना मिले। उसके बाद वो लोग फॉरेन जाकर सेटल हो जाएंगे। डेमन को भी ये प्लान पसंद आया था, तो वो दोनों आज रात मिलने की डिसाइड करते हैं। उसके दिमाग में, यानी कि सैमी के दिमाग में और क्या चल रहा था वो तो हमें नहीं पता, मगर रात में वो सच में डेमन से मिलने जाती है, मगर उससे प्यार मोहब्बत की बात करने नहीं बल्कि उसका खून करने। हम देखते हैं वो उसे हॉर्स ट्रांकुलाइजर से इंजेक्ट करती है। वो डेमन को मारना नहीं चाहती थी, मगर डेमन उसे ब्लैकमेल करने लगा था, उसी लिए उसे ये सब करना पड़ा। वो डेमन के मोबाइल में एक नोट सेव करती है जिसमें ये लिखती है, डेमन ने सैमी के कहने पर ये खून किया है, मगर अभी उसे डर लग रहा है। वो अपना बाकी का जीवन जेल में बिताना नहीं चाहता, इसीलिए वो अभी सुसाइड कर रहा है। यानी कि सैमी टेस के खिलाफ पुलिस को और ज्यादा सबूत सप्लाई कर रही थी, जिससे टेस कभी जेल से बाहर ही नहीं निकल पाए और वो खुद टेस बनकर उसकी जिंदगी लीड कर पाए। सैमी ने एक काम तो पूरा कर दिया था, मगर उधर टेस भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसे पता था सैमी उसके घर में है, इसका मतलब है उसकी माँ की जान खतरे में है। तो वो टेंशन में आ जाती है और एक्सेसिव एक्साइटमेंट के कारण उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, मगर हॉस्पिटल में भी वो शांत नहीं रह पाती। उसे अपनी माँ की चिंता थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल से भाग निकलती है, एक दूसरे पेशेंट की गाड़ी चुरा कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। उधर हम देखते हैं सुबह होने से पहले ही सैमी घर लौट चुकी थी। उसे लगा अभी सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही होने वाला है, मगर इसी बीच पेट्रिशिया को पुलिस स्टेशन से कॉल मिलता है कि सैमी यानी कि टेस हॉस्पिटल से भाग चुकी है, तो उन्हें अलर्ट रहना होगा, हो सकता है वो टेस को हार्म करने की कोशिश करे। जब पेट्रिशिया सैमी को ये बातें बताती है तो सैमी तो बिल्कुल ही अबला नारी की तरह रोने लगती है। अब क्या होगा मॉमी? वो खुद ही अपने माँ को सलाह देती है, क्यों ना वो लोग उसके नानी के घर में जाकर छुप जाए। पेट्रिशिया को भी ये आइडिया पसंद आता है, तो वो लोग एक घंटे के अंदर सारा सामान पैक करते हैं और निकल पड़ते हैं नानी घर की तरफ। मगर उनका एक पेट भी था, एक हॉर्स पेपर। तो जाने से पहले पेट्रिशिया किसी को कॉल करती है उसका देखभाल करने। वो लोग निकल जाते हैं और उसके कुछ समय बाद ही टेस आकर घर में पहुंचती है, मगर उनके घर में तो पुलिस का पहरा बस चुका था। तो वो बैक साइड से घर के अंदर घुसती है, अपने हॉर्स पेपर से मिलने जाती है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है लूकस से, जिसे पेट्रिशिया ने कॉल करके बुलाया था पेपर का ख्याल रखने। पेट्रिशिया ने जरूर लूकस को रिसेंट इस मिसहैप के बारे में भी बताई होगी, तो उसे पता था टेस की एक जुड़वा बहन भी है और वो भी एक खूनी।
और उसे ये भी पता था कि टेस अपने माँ के साथ रवाना हो चुकी है, तो ये लड़की जरूर सैमी ही होगी। पहले तो लुकस डर जाता है, मगर फिर टेस उसे कन्विंस कर लेती है कि वो टेस है, सैमी नहीं। उसे लुकस की मदद की सख्त जरूरत है अभी, तो वो दोनों मिलकर उसी वक्त पेट्रिशिया को बचाने भागते हैं। टेस अपने माँ को कॉल भी करती है, मगर फिर से उसका फोन सैमी के पास था, तो वो सैमी उसके फोन से सिम निकाल कर रख देती है। हम देखते हैं वो लोग उस घर में जा पहुंचते हैं। बाय नाउ पता नहीं क्यों पेट्रिशिया को इस लड़की में कुछ अजीब दिखने लगा था। उनका सिक्स्थ सेंस उन्हें कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। सैमी घर में घुसते ही सबसे पहले अपने बैग को छुपाने जाती है ट्रंक में। पेट्रिशिया भी उसका पीछा करती है और उस पैसों से भरे बैग को देख लेती है, मगर उसने ये नहीं देख पाई कि सैमी ने उसी ट्रंक में से एक बंदूक निकाल कर अपने पास छिपा ली थी। तो जैसे ही पेट्रिशिया उस ट्रंक को चेक करने जाती है, सैमी उनके तरफ बंदूक तान देती है। तब तक टेस और लुकस भी इस घर में पहुंच चुके थे। लुकस अंदर घुसने से पहले पुलिस को कॉल करना चाहता था, मगर ये एक आउटस्कर्ट एरिया था तो उन्हें सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो मजबूरन टेस उसे वापस शहर भेजती है पुलिस को बुलाने और खुद जाती है उस घर के अंदर अपने बहन के हाथ से अपने माँ को बचाने। इनिशियली पेट्रिशिया उस बंदूक को देख कर डर गई थी, लेकिन बाद में उसे याद आता है ना इसमें गोली है ना ये चलती है, तो वो फियरलेसली सैमी का सामना करती है। सैमी उसे मारकर बेहोश कर देती है। भागने की कोशिश करती है, मगर टेस उसे रोक लेती है। दोनों में हाथापाई होती है और फाइनली अपने माँ के मदद से टेस सैमी पर कब्जा कर लेती है। उसके हाथ पैर बांध के उसे पुलिस वैन में ट्रांसफर करने के लिए बिल्कुल रेडी कर देती है। सैमी बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है उनके सामने। टेस को इमोशनली ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती है, मगर सबको उसका असली रूप दिख चुका था। कोई उसके झांसे में नहीं फंसती। अभी उसे जेल जाना ही होगा, वो डिजर्व करती है। जिस पेरेंट्स ने उसे प्यार दिया, एक अच्छी जिंदगी दी, उसने उनकी ही जान ले ली। इतनी अनग्रेटफुल वो कैसे हो सकती है? और सफाई में वो हमेशा कहती थी कि उसे कभी प्यार नहीं मिला, मगर सच बात तो ये है कि उसने कभी प्यार मांगा ही नहीं। उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, उसे तो सिर्फ पैसा चाहिए था, और इसी लालच के वजह से अभी उसकी जिंदगी नरक बन चुकी है। फिल्म के एंडिंग में हम उसे जेल में देख पाते हैं, जहां उससे मिलने आती है टेस। आज उन दोनों का बर्थडे है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपनी बहन से प्यार करती है, और उसके सजा को कम करने के लिए उसने एक पिटीशन भी जमा कर चुकी है। She really hopes सैमी को जल्द से जल्द आजादी मिले और वो एक नया जीवन शुरू कर पाए। हम सैमी में भी कुछ चेंजेस देख पाते हैं। उसे भी अपने बहन से लगाव होने लगा था, तो शायद हो सकता है कि वो बदल जाए। Who knows? टेस तो सिर्फ उम्मीद रख सकती थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सिंपल सी स्टोरी है, एंटरटेनिंग और थ्रिलिंग भी। टाइटल से भी काफी मैच करता है। आई रियली लाइक्ड इट। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।